तुम कौन हो? क्या तुम वो हो जो अपने जिंदगी के एक फिक्स शेड्यूल में फंस कर रह चुका है? क्या तुम वो हो जिसको हर सुबह ये लगता है कि फिर आज वही करना पड़ेगा जो कल किया था? क्या तुम वो हो जिसको हर रात सोते समय ये लगता है कि आज फिर जिंदगी वैसे ही निकल गई जैसे हर रोज निकलती थी? कौन हो तुम? क्या तुम वो इंसान हो जो सपने बहुत देखता है पर उनके लिए जगना नहीं जानता? क्या तुम वो हो जो सोशल मीडिया पर किसी सक्सेस वाली पोस्ट को तुरंत सबके साथ में शेयर करता है और ये सोचता है कि शायद मैं भी एक दिन इतना सक्सेसफुल बन जाऊंगा? क्या तुम वो हो जो पता नहीं सारा दिन मोबाइल पर उंगली फिराते फिराते निकाल देता है और उसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिलता? आखिर कौन हो तुम? चाय के अड्डे पर सिगरेट फूकने वाले या उनके बीच में फंस जाने वाले? हर रोज शाम को झूठी खुशी पर दारू पार्टी करने वाले या गम में पीने वाले? कौन हो तुम? वह इंसान जो गृहस्थी और ऑफिस के चक्कर में ऐसे फंस गया है कि जब ऑफिस जाता है तो घर के कॉल आने से नहीं रुकते और जब घर जाता है तो ऑफिस के कॉल आने से नहीं रुकते? क्या नया चल रहा है आपकी जिंदगी में कि देख देख तुम्हारे पड़ोसी ने नया होंडा सिटी ले लिया है और तू आज भी 100cc बाइक पर बारिश में रेनकोट पहनकर काम पर जाता है? क्या ये नया चल रहा है तुम्हारी लाइफ में कि देख इस एक्टर का इस एक्ट्रेस के साथ में अफेयर चल रहा है? क्या ये नया चल रहा है तुम्हारी लाइफ में कि कल मोमोज खाए थे आज चिकन रोल खाऊंगा, कल जोमेटो से मंगवाया था आज डोमिनो से मंगवाऊंगा? क्या सपने देख रहे हो तुम? क्या उस क्रेडिट कार्ड के सपने जो आज बैंक के बाहर खड़े सेल्समैन ने आपका स्टेटस देखकर, आपके कपड़े देखकर आपको फ्री में देने का ऑफर दिया है? क्या ये सपने देख रहे हो कि 5 साल बाद तुम्हारे पास एक शानदार 5 BHK का एक अपार्टमेंट होगा और घर के सामने एक स्विमिंग पूल होगा, लेकिन दूसरे ही पल ये संकोच आता है कि इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? क्या ये सपना देखते हो कि तुम जिस लड़की से या जिस लड़के से तुम 5 घंटे से चैटिंग कर रहे हो वो तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दे देगा, पैसा देगा, नाम देगा, नौकरी देगा? कितनी मुश्किल है तुम्हारे लिए अपने ड्रीम्स को पाना करना और कितना आसान है तुम्हारे लिए मंजिल को मुश्किल नाम देना? कितना आसान है तुम्हारे लिए दूसरों को सक्सेस को किस्मत कहना और कितना मुश्किल है तुम्हारे लिए खुद की किस्मत को बदलना? कितना मुश्किल है तुम्हारी डेली के शेड्यूल से कुछ घंटे निकाल कर केवल अपने सपनों के ऊपर मेहनत करना? और कितना आसान है तुम्हारे लिए 2 दिन बाद वापस गिव अप कर देना? सपने पाना मुश्किल है, बहुत मेहनत लगती है। जो लोग नाम कमाते हैं ना पैसा कमाते हैं वो पैदा होने के बाद कभी मुश्किल वक्त देखते ही नहीं, उनको तो सब चीजें बड़ी आसानी से मिल गई है और ऐसे किस्मत ने उनका साथ दिया और उनका नाम हो गया और वो अमीर बन गए, वो सक्सेसफुल बन गए। किस्मत, किस्मत एक ऐसा वर्ड है जो जिसने इस दुनिया के इतने सपनों को तोड़ा है जितना मुश्किलों ने भी नहीं तोड़ा होगा। किस्मत एक ऐसा वर्ड है जो इतने सपने तोड़ देता है जितनी मुश्किलें भी नहीं तोड़ती। किस्मत एक ऐसा शब्द है जो अगर इंसान के दिमाग में बैठ जाए तो वो अपने काबिलियत को देखना भूल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर सकता है और कितना कर सकता है, अभी कर सकता है और इसी लाइफ में कर सकता है। किस्मत को बदलने के 2 तरीके मेरे दोस्त। सबसे पहला तरीका तो ये है, ये जिंदगी चल रही है ना, जैसे भी चल रही है, अच्छी बुरी चाहे जैसे चल रही हो, इसको चलने दो, अपने आप को बूढ़ा होने दो और जब बुढ़ापे में तुम्हारी डेथ हो जाए ना तो ऊपर वाले के सामने जाकर गिड़गिड़ाना कि सर प्लीज अगले जन्म में मेरे हाथों में किस्मत वाली रेखा को ज्यादा लंबा बनाना, मुझे अच्छे घर में पैदा करना जिससे मुझे अगली जिंदगी में बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाए और कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। और दूसरी बात यह है कि किस्मत को बदलने का दूसरा तरीका, ये भूल जाओ कि दुनिया में किसी डिक्शनरी में तुमने किस्मत नाम का वर्ड देखा है, भूल जाओ कि तुमने किस्मत नाम का वर्ड सुना भी है या इस दुनिया में ऐसा कोई वर्ड होता है ये जो किस्मत नाम किसी ने बनाया होगा ना। इस दुनिया में वो पक्का एक बहुत बड़ा आदमी रहा होगा जो ये चाहता था कि ये जो पिछड़े हुए हैं ना, इसके मन में ये बिठा दिया जाए कि अगर इनको ऊपर उठना है तो उनको अच्छी किस्मत लेकर पैदा होना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपको किस्मत बदलनी है तो ये भूल जाओ कि तुमने कभी लाइफ में किस्मत नाम को भी सुना है, तुमने सुना ही नहीं कि किस्मत नाम का कोई वर्ड होता है। ये तुम्हारे लिए अप्लीकेबल ही नहीं होता। अब तुम्हारे लिए अप्लीकेबल क्या होता है, अगर तुम उस लेवल तक पहुंचना चाहते हो जिस लेवल को इस दुनिया अच्छी किस्मत के नाम से जानती है तो इसके लिए तुम्हारे लिए क्या अप्लीकेबल होगा। देखो जो करता हूँ मैं, करता हूँ जो मेरे साथ होता है वो मेरे किए हुए किस वजह से होता है। मैं जैसा आज बीज बोऊंगा वैसा ही पेड़ कल उगेगा और जितना आज मैं
अपने आप को घिसूंगा उतना ही इस दुनिया को लगेगा कि मेरी भी किस्मत चमक रही है, ये भी अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुआ है। ऐसा लगेगा फिर दुनिया को आप अपने आप को घिसोगे। किस्मत तो आपकी उसी दिन चमक गई थी जब आप इस दुनिया में आए थे। इस दुनिया में पैदा होने के लिए भी कितनी लंबी रेस लगानी पड़ती है, तो जितने लोगों को हरा कर तुम आए हो ना इस संसार में, उतनी तो इस दुनिया में जनसंख्या भी नहीं होगी।